इट्स बिन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. हम अबू धाबी में मिले थे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि गाने की ज़रूरत है, तो मैंने एक ही गाना भेजा था, उनको पसंद आ गया था, तो थोड़ी चेंजेस उन्होंने किए थे. बट आई वाज सरप्राइज्ड कि ये इतना इंटरेस्ट लेते हैं पर्सनली इनकी. मैंने समझा था कि इनकी टीम है वो मेरे को फ़ोन करेंगी, बट ये रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे इनका फ़ोन आता है. तो एक बार बोले ब्रो ब्रो ये गाना इतना फास्ट क्यों बना दिया आपने. मैंने बोला था, आपने बोला था इश्क की टेम्पो पे चाहिए, मैंने वैसे ही बनाया था. स्लो बना के भेजो. बट इट्स बिन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू बी सो हैंड्स ऑन. कुछ सीखने को मिला मेरा, क्योंकि यू नो यू आर सो डाउन टू अर्थ एंड यू टेक सो मच इंटरेस्ट इन योर वर्क. इट्स बिन अ ब्लेसिंग वर्किंग विद यू. थैंक यू सो मच. तो सुखबीर भाजी मुझसे दुबई में मिले, अबू धाबी में एक्चुअली, अबू धाबी मिले. तो ऐसे क्या कर क्या रहे हो, ऐसे शो 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 शो, ऐसे कोई पीछे गाने ऐसे नहीं कुछ नहीं. ऐसे वो मुझे एक गाना दे दो एक फिल्म के लिए, इसे किस टाइप का गाना चाहिए. एक्चुअली एक बहुत ही मशहूर सिंगर है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक दो गाने पे निकाली है, वेरी टैलेंटेड मैन. सर कौन है? ऐसा भाजी आप. तो इन द नेक्स्ट डे वी स्टार्ट लाफिंग. द नेक्स्ट डे ही गेव मी बिल्ली बिल्ली एंड नाउ द नेक्स्ट सॉन्ग दैट्स गोना कम आउट बल्ले बल्ले इज द वन एंड बोथ द सॉन्ग्स आर फैंटास्टिक फैंटास्टिक. दैट्स ऑल. एंड थैंक गॉड दैट आई मेट यू देन अबू धाबी. थैंक गॉड. अदरवाइज ये गाने इस फिल्म में नहीं होते. तो मैंने तो बिल्ली बिल्ली भेजा था, उसके बाद एक एज अ सैम्पल दूसरा गाना मैंने भेजा था. तो उन्होंने बोला मेरे साथ जस्सी पाजी बैठे हैं, उन्होंने एक तीसरा गाना दिया. तो मैं गाना तो एक देने वाला था, 3 गाने मेरे ले लिए इन्होंने और दोनों का मिक्स करके एक बनाया. और एक बार आपको शायद पता नहीं होगा, ये लिरिक्स बहुत अच्छे लिखते हैं. एक गाने के 2 वर्सेस इन्होंने लिखे हैं, तो हमने वो वर्ड्स ऐसे रखे हैं जैसे इन्होंने मेरे को बोला था. तो वो आपको सुनने में आएंगे इन अ फ्यू डेज. सो प्लीज लुक फॉरवर्ड टू दैट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई.